किसी जमाने की बात है, वीनापुर नाम के गांव में अनिका और पार्वती नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी माँ सरोज और पिता हरि के साथ रहती थीं। अनिका और पार्वती के पिता हरि शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। वो कभी कभी ही अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए आते तो उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। अनिका और पार्वती वैसे तो जुड़वा बहनें थीं, लेकिन रंग रूप में दोनों बिल्कुल ही अलग थीं। अनिका चांद की तरह गोरी थी, उसके गुलाबी गाल और लंबे रेशमी बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। पूरे गांव में अनिका जैसे बाल किसी के भी नहीं थे, परंतु वो स्वभाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पार्वती अपनी बहन की बिल्कुल ही उलट थी। वो बहुत ही काली और गंजी थी। पार्वती के बचपन में बहुत ही लंबे और घने बाल थे, परंतु कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते पार्वती के बाल झड़ना शुरू हो गए और दो साल बाद वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। पार्वती दिल से बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा गरीबों और असहाय लोगों की सहायता करती थी। पार्वती को अपने काले रंग के कारण बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उसके पड़ोस के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। हर कोई बस अनिका की सुंदरता को ही देखा करता था और उसकी तारीफ करता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अनिका पार्वती से कहती है, पार्वती क्या तुमने कंघी देखी है? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही। मैंने सोचा क्या पता तुमने कंघी से अपने बाल संवारी हो। अनिका तुम्हें तो पता ही है, भला मैं कंघी का क्या करूँगी? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? अनिका आस पड़ोस के तो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते ही हैं, और अब तुम भी शुरू हो गई। पार्वती बहन, अब तेरी शक्ल देखकर हंसी आती है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी हंसी रोक तो नहीं सकती। वैसे मुझे तुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। एक तरफ मैं हूँ जो मोर की तरह सुंदर, और वही तू कौवे की तरह काली है। स्कूल के बच्चे तेरे कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। अनिका तुम मेरी सगी बहन होकर भी मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे अपने गंजेपन को लेकर कितना बुरा लगता होगा? वैसे भी गांव के सभी बच्चे मुझे खुशी से रहने भी नहीं देते। घर में तो रह कर के तुम मुझे चैन की सांस लेने दो। अनिका, पार्वती कहाँ हो मेरी प्यारी बच्चियों? जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अनिका और पार्वती दोनों अपनी माँ के पास आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? पार्वती और अनिका, तुम सरला आंटी को तो जानती ही हो ना, मेरे बचपन की दोस्त। उनके बेटे की शादी है, इसीलिए आज शाम को हम सभी शादी में जाने वाले हैं। तुम दोनों शाम को 6 बजे तक अच्छे से तैयार रहना। मम्मी, मुझे बेइज्जती कराने का कोई भी शौक नहीं है। मैं इस कलमूही के साथ जाऊं, इस कारण लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, और लोग कहते हैं देखो देखो काली गोरी की जोड़ी आ गई है। सुन पार्वती की बच्ची, अगर तुझे मेरी और मम्मी की इज्जत की थोड़ी भी चिंता है तो तू हमारे साथ मत जाना। तेरे कारण मेरी और मम्मी की बहुत बेइज्जती होती है। पार्वती, अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं कब की मर जाती। अनिका, तुम ये क्या कह रही हो? पार्वती तुम्हारी बड़ी बहन है, और तुम हो कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन पार्वती के साथ चलने में बेइज्जती महसूस होती है। तुम पार्वती की कितनी बेइज्जती कर रही हो, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी? मम्मी, आप अनिका को इतना फोर्स क्यों कर रही हो? अनिका शायद तुमसे सही ही कह रही हो। मेरे कारण तुम्हारी और माँ की बहुत बेइज्जती होती होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं जाऊंगी। इतना कहकर पार्वती घर से बाहर निकल जाती है। पार्वती चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। उसके बाद वो जंगल में ही एक पत्थर पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बचपन से लेकर आज तक सभी लोग मुझे काली कलूटी गंजी कहकर चिढ़ाते हैं। अगर मैं काली हूँ
और मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ एक मेरी माँ ही है जो मुझसे प्यार करती है। अनीका सही ही कह रही थी, मुझे मर ही जाना चाहिए, तभी माँ और अनीका दोनों को सुकून मिलेगा। ऐसा कहकर पार्वती बहुत रो रही होती है कि तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और वो कहती है, बेटा तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो बेटा? अम्मा जी, आज के जमाने में कोई भी दिल की सुंदरता नहीं देखता, सब चेहरे की सुंदरता देखते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं अपने काले रंग और सर पर बाल ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझसे कोई भी दोस्ती करना पसंद नहीं करता और मेरे घर के आस पड़ोस के बच्चे मुझे टकली चुड़ैल कह के चिढ़ाते हैं। ये कहकर पार्वती बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर पार्वती हैरान रह जाती है। अरे पार्वती, तुम इतना शौक क्यों हो गई हो? मैं फूल परी हूँ और मैं मजबूर लोगों की मदद करती हूँ। बेटा, मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता, तुम देखी कितनी अच्छी हो और लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो जादुई फूलों का गाउन और पर्स। तुम जैसे ही इस फूलों के गाउन को पहनोगी तो तुम पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे बाल भी वापस आ जाएंगे। और हाँ बेटा, तुम इस जादुई फूल के पर्स में से जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो, इसमें से पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे। परंतु बेटा, हमेशा ध्यान रखना कि ये जादुई फूलों का गाउन और पर्स कभी भी लालची लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना इसका जादू उल्टा हो जाएगा। इस तरह फूल परी उसे सब कुछ अच्छे से समझाती है। पार्वती फूल परी का वो जादुई फूलों का गाउन और पर्स लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर पार्वती वो फूलों का गाउन और पर्स लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन पार्वती जैसे ही उस फूलों के गाउन को पहनती है तो वो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सर पर घने बाल भी आ जाते हैं। पार्वती अपने आप को इतना सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को जब पार्वती की माँ सरोज और बहन अनीका शादी से घर वापस आती हैं, तो वो पार्वती का इतना सुंदर रूप देखकर चौंक जाती हैं। लेकिन सरोज अपनी बेटी की सुंदरता देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से पार्वती फूल परी के जादुई फूलों के पर्स से अपनी माँ सरोज और बहन अनीका को बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर खिलाती है। और जब कभी किसी गरीब व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती तो पार्वती बिना किसी संकोच के उसकी सहायता करती है, क्योंकि अब उसके पास फूल परी का जादुई फूलों का पर्स था और वो उसमें से अपने मन चाहे पैसे निकाल लेती थी। फिर उस दिन के बाद से पार्वती अपनी माँ सरोज और बहन अनीका के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। फूलपुर गांव में तीन भाई बहन माया, पीहू और रोहित अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ सावित्री फूल बेचा करती थी। एक बार की बात है, सावित्री फूल बेचकर घर वापस आ रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है और सावित्री वहीं पर मर जाती है। माँ के मर जाने के बाद तीनों भाई बहन अकेले हो जाते हैं। उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। धीरे धीरे करके उनके खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं। दीदी, अब क्या होगा? घर का तो सारा राशन खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? तू चिंता मत कर पीहू, अब से हम भी माँ की तरह फूल बेचने जाया करेंगे। ठीक है दीदी, हम भी आपके साथ फूल बेचने जाया करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही तीनों भाई बहन फूल तोड़ने के लिए बाग में जाते हैं, लेकिन वो तभी देखते हैं
कि वहाँ के बाग के सारे फूल और पेड़ कट चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है सेठ जी? यहाँ जो बगीचा था वो कहाँ गया? अब ये बगीचा नहीं रहा, यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा मॉल बनने वाला है। मैंने ये बगीचा बेच दिया है। ये सुनकर तीनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और निराश मन से वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरे बगीचे की तलाश में वो लोग जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं। दीदी वो देखो, वो फूल का पेड़ कितना अच्छा है। हम इतने दिनों से फूल बेच रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा फूल कभी नहीं देखा। दीदी चलो उस पेड़ के फूल को तोड़ते हैं, ये फूल तो शहर में अच्छे दाम में बिक जाएगा। तुम ठीक कह रही हो बहन, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। मैंने भी आज तक ये अद्भुत फूल कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलकर इसके फूल तोड़ते हैं। तीनों भाई बहन उस पेड़ पर चढ़कर टोकरी भरकर फूल तोड़ने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं, तब उस फूल में से आवाज आती है, रुको तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तीनों भाई बहन रुककर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आता। फिर तीनों भाई बहन चलने लगते हैं। तभी एक बहुत ही खूबसूरत परी उनके सामने आती है और कहती है, घबराओ नहीं, मैं हूँ फूल परी। तुम तीनों भाई बहन मुझे बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए अब से तुम्हें जब भी फूलों की जरूरत होगी तो यहाँ आकर इस फूल के पेड़ से तुम जितना चाहो उतना फूल तोड़ लेना। पर आप फूल से बाहर कैसे आई? मैं फूल परी हूँ, सूर्यास्त होने के बाद ही मैं इस फूल के पेड़ से परी बनती हूँ। बाकी मैं पूरे दिन इस फूल के पेड़ में ही रहती हूँ। मुझे तुम तीनों बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। परी जी हम तो मेहनत करके खाने वालों में से हैं, और आपने तो हमें हमारे कमाने का जरिया दे ही दिया है। वक्त आने पर हम आपसे अपना वरदान मांग लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती है और तीनों भाई बहन फूल लेकर उसे बेचने शहर में चले जाते हैं। देखते ही देखते उनके सारे फूल बिक जाते हैं और उन्हें उन फूलों के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो फूल बहुत अद्भुत और सुगंधित होता है। एक बार की बात है, रानी पद्मावती का बेटा युवराज काफी दिन से बीमार था और उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य हकीम भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या है। राजकुमार ना तो किसी से बात करते और ना ही अपनी व्हीलचेयर से उठते थे। तभी गली में से आवाज आती है, फूल ले लो फूल, फूल वाली आई, ताजे ताजे फूल लेकर आई, फूलों की खुशबू ऐसी कि सबको भाई। उन फूलों की खुशबू से पूरा महल महक रहा था। युवराज को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उधर से महारानी पद्मावती हाथों में वही फूल लिए उसके कमरे में पहुंचती हैं। बेटा देखो तो कितना खूबसूरत फूल है, मैंने तो आज तक ऐसे फूल कभी नहीं देखे। ये फूल को देखकर मेरा तो दिन ही बन गया। अब जल्दी से बस तुम ठीक हो जाओ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। तभी युवराज अपनी माँ से बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, माँ कहाँ है वो फूल बेचने वाले? माँ जल्दी बताओ, मुझे उनसे मिलना है। बेटा वो तो चले गए, पर हुआ क्या मुझे तो बताओ। फिर युवराज अपनी माँ को बताता है, माँ जब मैं जंगल से आ रहा था तब मुझे इसी फूल का पेड़ मिला था। ऐसा फूल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं भी इसे देखते ही इस पर मोहित हो गया था और लालच में आकर मैं इस फूल के पेड़ को कटवा कर अपने महल में लगवाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, वैसे ही मुझे बहुत तेज झटका लगा और मैं दूर जाकर गिर गया।
फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उस पेड़ की सारी टहनियाँ तोड़ दी। तभी उस पेड़ ने मुझे श्राप दे दिया और मेरी ये हालत हो गई। बेटा, आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी ना? आखिर कोई तो उपाय होगा इस श्राप से छुटकारा पाने का। इससे छुटकारा पाने का उपाय हमें जरूर फूल बेचने वाली उन लड़कियों से ही पता चल सकता है। पूरे राज्य में उन तीनों भाई बहन को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए जाते हैं और आखिरकार उन तीनों भाई बहन का पता चल जाता है और उन्हें महल में लाया जाता है। महारानी, हमें इस तरह महल में क्यों बुलाया गया है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर रानी पद्मावती उन्हें अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताती हैं। आपके बेटे ने बहुत गलत किया, उसे उसी के किए की सजा मिल रही है, इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उससे अनजाने में गलती हुई है, प्लीज उसकी मदद करो। माया और पीहू को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और फिर सभी मिलकर उस अद्भुत फूल के पेड़ के पास जाते हैं और पीहू उस फूल परी को याद करती है। फूल परी कहाँ है आप? बाहर आइए। तभी फूल परी फूल से बाहर आती है। कहो पीहू, तुमने मुझे क्यों याद किया? फिर पीहू फूल परी से युवराज को ठीक कराने की कोशिश करती है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा अपमान किया है। परी जी, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज सब भूल कर इन्हें माफ कर दीजिए। परी जी, हरगिज नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। फूल परी, आपको याद है आपने काफी दिन पहले हमें एक वरदान मांगने को कहा था। उस वरदान के बदले में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप राजकुमार को ठीक कर दें। परी जी, राजकुमार से जो भी गलती हुई है उन्हें उस बात की सजा मिल चुकी है, वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। आप उन्हें माफ कर दीजिए, राजकुमार दिल के बुरे नहीं है। परी जी, ये सुनकर फूल परी राजकुमार को ठीक कर देती हैं और राजकुमार उठकर खड़े हो जाते हैं। हाँ फूल परी, आप नाराज ना हो, हम सदा आपके शुक्रगुजार रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार के ठीक होते ही महारानी पद्मावती बहुत खुश हो जाती हैं और पीहू को राजकुमार के लिए इतनी मेहनत से परी से मिन्नतें करते देखकर रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। युवराज को भी पीहू बहुत अच्छी लगती है। फिर पद्मावती बहुत ही धूमधाम से युवराज और पीहू की शादी करा देती है, जिसमें फूल परी भी शामिल होती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में अंजलि और पायल नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों में अंजलि बड़ी बहन थी और पायल छोटी। अंजलि पायल के बड़े पापा की बेटी थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की किसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अंजलि को बचपन से ही उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अंजलि की चाची भी नहीं थी। अंजलि पायल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो घर का सारा काम खुद ही किया करती थी। वो पायल से कोई भी काम नहीं करवाती थी। अगर पायल के पिता पायल को कोई काम बताते तो वो काम भी अंजलि ही कर दिया करती थी। अंजलि के लाड़ प्यार ने पायल को बहुत बिगाड़ कर रखा था। वो कोई भी काम नहीं करती थी और तो और किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह अंजलि के चाचा पायल को आवाज लगाते हैं। बेटा पायल, पायल जरा चाय तो लेकर आना। अंजलि के चाचा चाय पायल से मंगवाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि चाय लेकर अंजलि आई है। ये देखकर अंजलि के चाचा बोलते हैं, अरे अंजलि बिटिया, अच्छा हुआ तू ही आई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन पायल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही कहीं? चाचा जी, वो रात को लेट सोने की वजह से पायल की नींद पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो सो रही है।
अच्छा अच्छा बेटी, वैसे कल तुम्हें और पायल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हें बचपन से पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूँ। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है बेटा? आपको जैसा सही लगे चाचा जी। अच्छी बात तो ये है कि वो दोनों सगे भाई हैं। मेरी दोनों बेटियाँ एक ही घर में जाएंगी। मेरे लिए भला इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। कल तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना और पायल को भी तैयार कर देना। जी चाचा जी, ठीक है। अगले दिन अंजली और पायल को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे भाई साहब, अपनी दोनों बेटियों को तो बुलाइए। जी जी, अभी बुलाता हूँ। अंजली के चाचा अंजली और अपनी बेटी पायल को बुलाते हैं। जी, ये मेरी बड़ी बेटी अंजली है और ये मेरी छोटी बेटी पायल। दरअसल अंजली मेरे बड़े भाई की बेटी है। जब ये बहुत छोटी थी तभी इसके माता पिता की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो बचपन से अंजली को पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। जी, आपकी दोनों ही बेटियाँ मुझे बहुत पसंद आई। बेटा, तुम दोनों बताओ, क्या तुम्हें पसंद है? जी माँ। और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में अंजली की शादी बड़े भाई करण और पायल की शादी छोटे भाई अर्जुन से हो जाती है। शादी के बाद पायल और अंजली की सास कमला देवी ने बहुत सारे रीति रिवाज किए। फिर शादी के दो दिन बाद अब बस एक ही रस्म बची है, फूल परियों को बहुओं के हाथ का खाना खिलाना। दरअसल बेटा, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तब फूल परियों ने अपने जादुई फूलों से मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन ये रस्म कब होगी माँ? सोच रही हूँ कि कल ही रखूँ। सुनो बहू, तुम दोनों को कल अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बनाना है। अगर उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया तो खुश होकर फूल परियां तुम्हें जादुई फूल देंगी। जी माँ जी, हम कर लेंगे। फूल परियों को खाना खिलाना था, इसलिए उस दिन अंजलि जल्दी से उठ गई और नहा धोकर रसोई में गई और उसने काम करना शुरू कर दिया। पायल बहुत देर बाद उठी और अंजलि के पास जाकर बोली, दीदी आप तो जानती हैं, मुझसे ये सारी काम नहीं होते। क्या जरूरत थी सासू माँ को इन फूल परियों को बुलाने की? हाँ, ऐसे मत बोलो पायल, वो फूल परियां हैं। कोई बात नहीं, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं सारा खाना खुद ही बना लूँगी। अंजलि हमेशा की तरह पायल को कुछ नहीं कहती। पायल अपने कमरे में गई और बैठकर मेकअप करने लगी और इधर बेचारी अंजलि अकेले ही सारा काम करती रही। तीन चार घंटे बाद उसका सारा काम खत्म हुआ। तभी रसोई में अंजलि की सास आई और उन्होंने कहा, अरे बहू तुम यहाँ हो, पायल बहू कहाँ है? तुमने अकेले ही बनाया है क्या सारा खाना? नहीं माँ जी, पायल अभी अभी गई है कमरे में तैयार होने के लिए। अंजलि पायल की हर गलती छुपा लिया करती थी। थोड़ी ही देर में कमला देवी ने दो फूल परियों का स्वागत किया। आइए आइए, यहाँ बैठिए। अरे बहू, फूल परियां घर पर पधार चुकी हैं। कमला देवी की आवाज़ सुनकर पायल तुरंत रसोई में गई और अपनी बहन के साथ मिलकर फूल परियों को खाना परोसने लगी। खाना परोसने के बाद, फूल परियों खाना शुरू कीजिए। उसके बाद फूल परियों ने खाना शुरू किया। उनका खाना हो जाने के बाद फूल परियों ने कहा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, किसी ने पूरी लगन और निष्ठा से बनाया था। हाँ, मेरी दोनों बहुएं सुबह से ही मेहनत कर रही थी बेचारी।
कमला देवी की बातें सुनकर दोनों फूल परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो बोली, तो फिर इनाम भी इन्हें इनकी मेहनत के हिसाब से ही मिलना चाहिए। फूल परी ने जादू से दो फूल प्रकट किए। उन्होंने एक फूल अंजलि को दिया और दूसरा फूल पायल को। उसके बाद दूसरी फूल परी ने कुछ मंत्र पढ़े। उनके मंत्र पढ़ते ही वहाँ जादू हुआ और अंजलि के हाथ में रखे फूल से तेज रोशनी चमकने लगी और अंजलि बहुत सुंदर बन गई और उसके हाथों में खजाने का बक्सा भी था और वही पायल एकदम कोयले जैसी काली हो गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी कमला देवी से रहा नहीं गया और उसने कहा, अरे ये क्या हो रहा है। दोनों फूल परियां जोर जोर से हंस रही थी। कमला देवी, ये तुम्हारी बहू की मेहनत का फल है। कमला, तुम्हारी सिर्फ एक बहू ने ही सारा खाना बनाया था और दूसरी सिर्फ मेकअप करने में बिजी थी। कमला देवी गुस्से से पायल की तरफ देखने लगी। तभी पायल बोली, फूल परी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। दूसरों की प्रशंसा लूटना अपराध है। फूल परियों ने अपना जादू उलट दिया और पायल वापस पहले जैसी हो गई और उसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया। अब पायल बिना आलस दिखाए घर के सभी कामों में अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में बहुत सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। उसी परीलोक में दो परी बहनें भी रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन उन दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। दोनों बहनों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। वो हमेशा पृथ्वी लोक की सैर करने जाया करती थी। इसी तरह एक दिन वो दोनों बहनें एक गांव के ऊपर से उड़ रही थी कि तभी अचानक उन्हें नीचे कुछ लड़कियां आपस में झगड़ती हुई दिखाई देती हैं। अरे वो देखो, नीचे कुछ लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों बहनें एक पेड़ के पास जाकर उन लड़कियों की बातें सुनने लगती हैं। क्यों रे करीना, मैंने तुझसे इस डांस क्लास में आने से मना किया था ना, फिर भी तू बेशर्मों की तरह अपनी सहेलियों को लेकर यहाँ दोबारा आ गई। हम सभी सहेलियाँ डांस सीखकर शहर में होने वाले डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं। अच्छा, तो शहर में होने वाले डांस कंपटीशन के बारे में तुम भिखारियों को भी पता चल चुका है। मैं सब जानती हूँ, उस कंपटीशन में जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलने वाला है, इसलिए तुम सब गरीब डांस सीखना चाहती हो। लेकिन अगर हम लड़कियां यहाँ डांस सीखेंगी तो तुम्हारा क्या नुकसान है। तभी वहाँ खड़ी ज्योति की एक सहेली कहती है, अरे ज्योति, ये सभी लड़कियां बहुत ही जिद्दी हैं, इस तरह ये यहाँ से नहीं जाने वाली, चल इनके ऊपर अपना टॉमी छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, ये तूने बहुत अच्छी बात बताई है, चल जल्दी से टॉमी को लेकर आ। ये सुनते ही ज्योति की सहेली क्लास के सामने बंधे कुत्ते को करीना और उसकी सहेलियों को काटने के लिए छोड़ देती है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख तीनों सहेलियां घबरा कर वहाँ से भागने लगती हैं। उन्हें भागते हुए देख ज्योति और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, मजा आ गया, अब ये दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगी। उसके बाद ज्योति अपनी सहेलियों के साथ डांस क्लास के अंदर चली जाती है। उनकी इस हरकत पर दोनों परी बहनों को बहुत गुस्सा आता है। ये अमीर लड़कियाँ बहुत ही घमंडी और बेरहम हैं। इन्होंने बेचारी गरीब लड़कियों को बहुत परेशान किया है, हमें उन गरीब लड़कियों की मदद करनी होगी। हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो इसी वक्त उन लड़कियों के पास चलते हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें हवा में उड़ती हुई
करीना और उसकी सहेलियों के पास पहुंच जाती हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ हमने सब कुछ देखा है। हम दोनों परी लोग से यहाँ पर आए हैं। हम दोनों तुम सभी लड़कियों को डांस सिखाना चाहती हैं। उन दोनों परियों को देख करीना और उसकी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं। क्या सच में आप दोनों हमें डांस सिखाओगी? लेकिन आप दोनों को देने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। हमें तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। हम दोनों अपनी खुशी से तुम सबको डांस सिखाना चाहती हैं, ताकि डांस कॉम्पिटिशन जीत कर इनाम की रकम तुम सबको मिल जाए, जिससे तुम सब अपनी जिंदगी बेहतर बना सको। उसके बाद वो दोनों परी बहनें अपनी शक्ति से वहाँ एक बहुत ही सुंदर घर प्रकट कर देती हैं। फिर वो दोनों मिलकर करीना और उसकी सहेलियों को वहाँ डांस सिखाना शुरू कर देती हैं। वो सभी लड़कियाँ पूरा मन लगाकर वहाँ डांस सीखने लगती हैं। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो सभी लड़कियाँ बहुत ही अच्छी डांसर बन जाती हैं। दूसरी तरफ डांस कॉम्पिटिशन का दिन भी नजदीक आ जाता है। अब तुम सभी लड़कियाँ पूरी तरह डांस करना सीख गई हो। परसों डांस कॉम्पिटिशन है। हम दोनों बहनों ने अपनी जादुई शक्ति से तुम सभी का एडमिशन वहाँ करवा दिया है। अब तुम लोगों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोनों परी बहनें वहाँ से वापस अपने परी लोक लौट जाती हैं। फिर दो दिन के बाद करीना अपनी सहेलियों को लेकर डांस कॉम्पिटिशन में पहुँच जाती है। उन सभी को देखकर ज्योति और उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है। और फिर थोड़ी देर के बाद डांस कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले ज्योति और उसकी सहेलियाँ अपनी परफॉर्मेंस करती हैं और उसके बाद करीना और उसकी सहेलियों को बुलाया जाता है। करीना और उसकी सहेलियाँ जब स्टेज पर जाकर डांस करना शुरू करती हैं, तो उनका डांस देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अरे बाप रे, ये तीनों लड़कियाँ तो बहुत ही फास्ट डांस करती हैं। ऐसे डांस के स्टेप्स तो मैंने आज तक नहीं देखे। वाओ, इट इज सो अमेजिंग। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग करीना और उसकी सहेलियों के डांस की बहुत तारीफ करने लगते हैं। कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद करीना और उसकी सहेलियों को विजेता घोषित करके उन्हें ट्रॉफी और 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। इस तरह ज्योति और उसकी सहेलियों का घमंड टूट जाता है। दूसरी तरफ करीना और उसकी सहेलियों की गरीबी वाली जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।